दोस्तों, आज मैं फ्रेशिया के बल्ब्स लगाने जा रही हूँ। यह हमारे विंटर्स में बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करता है और हैवी अमाउंट में इसकी ब्लूम्स होती हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स में इसमें आते हैं। और ये जो बल्ब्स है मैंने ऑनलाइन के थ्रू मंगाया था अमेजोन से, तो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था। और ये बहुत ही मतलब देखा जाए तो बहुत ही कम लोग ही इससे ग्रो करते हैं। ये नर्सरी में भी अवेलेबल नहीं है इसके बल्ब्स, मैंने इसीलिए ऑनलाइन परचेज किया था। मुझे ये फ्लावर्स बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इनके जो बल्ब्स होते हैं इसको हम थ्रू आउट द समर सीजन में भी हम लोग इसको सेव करके रख सकते हैं। तो देखिए स्प्राउटिंग भी आ गई है। ये सारे बहुत ही छोटे छोटे बल्ब्स है, मल्टी कलर्स में है इसके सारे फ्लावर्स। और ये जो दोस्तों ये फ्रेशिया के बल्ब्स हैं, डबल पेटल, सिंगल पेटल, बहुत ही वैरायटीज के आते हैं। और इसे ग्रो करने के लिए ज़्यादा बड़े प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो आप लोग भी ज़रूर लगाना। बहुत ही प्यारा इसका जो फ्लावर्स आते हैं, बस देखते ही बनता है। तो इसे मैं इस बार बहुत मतलब ऐड करना बहुत पसंद करूँगी। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है, जैसे हम ग्लैडियस के बल्ब्स मैंने लगाया था आप लोग के साथ शेयर किया था, उसी तरह से हमने इसके पॉटिंग मिक्स को रेडी करना है। कुछ डिफरेंस नहीं है बल्ब्स लगाना। तो ये ज़्यादा ये जो हमारे ये जो फ्रेशिया के बल्ब्स जो प्लांट्स हैं उनको बड़ा बिग साइज का प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं होती है। छोटे प्लांटर्स में भी कम स्पेस में भी बहुत ही ईजीली ये ग्रो हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको आज मैं अभी ग्रो करने जा रही हूँ। तो आज मैं इसे इस प्लास्टिक प्लांटर में लगाऊंगी। तो देखा जाए तो अगर हम फ्लावर प्लांट्स को लगाए तो टेराकोटा का पॉट सबसे बेस्ट होता है, बट अगर हम ये जो प्लास्टिक प्लांटर को भी सही तरीके से इसको लगाए, जो उसका मेथड होता है उसको रूल को फॉलो करे, तो इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। आप चाहे तो टेराकोटा में भी यूज कर सकते हैं। वैसे फ्लावरिंग प्लांट टेराकोटा पॉट सबसे बेस्ट होता है, बट प्लास्टिक पॉट्स को अगर हम सही तरीके से इसमें ग्रो करें तो वो भी बहुत अच्छा, बहुत ही इजीली ग्रो होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा आपके बल्ब्स। देखिए इसमें मैं लगभग 7 के करीब मैं इसमें फ्रेशिया के बल्ब्स ग्रो करूंगी। तो सबसे आपने क्या करना है, ड्रेनेज को ठीक रखने के लिए आपने सबसे पहले ये जो ग्रेवल्स होते हैं उसकी एक लेयर डाल देना है। तो ग्रेवल्स अगर हम सही तरीके से लगाएंगे दोस्तों तो कभी आपके प्लांट्स खराब नहीं होंगे। तो ये जो ग्रेवल्स हैं इसके एक इंच मतलब हाफ या एक इंच का जितना आपके इसमें लेयर जरूर डाल देना है। करीब एक इंच के करीब मैंने इसकी लेयर बना दी है। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा इसका ड्रेनेज भी रहेगा, साथ में आपकी रूट रॉट्स की प्रॉब्लम से भी आप दूर रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सॉइल मिक्सचर मैंने पहले ही रेडी कर लिया है, वही सॉइल मिक्सचर जो हर समय मेरा रहता है, गार्डन सॉइल, सैंड, फिर थोड़ा सा कोकोपीट और एक स्पून के करीब ये फंगीसाइड, फिर इसमें डाल दिया है मैंने काउडंग मैन्योर और ये वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास नीम खली है तो वो भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया है, बाद में मैं इसका लिक्विड स्प्रे कर दूंगी। तो इस तरह से अच्छा सा एक सॉइल मिक्सचर रेडी कर लीजिए और ये जो ग्रेवल स्टोन डाला है उसके ऊपर हल्का सा एक हमें सॉइल मिक्सचर का लेयर डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है। दोस्तों ये मेरा सारे ड्राई लीव्स जो मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्रश करके रखा हुआ है, तो ये करने से ये आप डालेंगे एक लेयर इसके ऊपर हर समय डाल दीजिए, तो ये धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हमारा पत्तियों का खाद बन के रेडी हो जाएगा। ये स्लोली स्लोली सारा इसमें डिकम्पोज हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और ऊपर से हमारा ये सॉइल मिक्सचर भी बहुत ही हल्का रहेगा जब ये धीरे धीरे सारे डिकम्पोज हो जाएंगे। एक लेयर मैं ऐसे डाल देती हूँ, जैसे कि दोस्तों मेरा पूरा गार्डन ऑर्गेनिक तरीके से ही मैं ग्रो करना पसंद करती हूँ, कभी भी मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है, बस ये फंगीसाइड को छोड़। इसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, ये हमारा सॉइल मिक्सचर के लेयर को डाल देना है इस तरह से। इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो पॉटिंग मिक्स डालने के पहले ग्रेवल्स, फिर सूखे पत्तियाँ, इस सब को डालने से आपका ये जो कभी भी रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं आएगी और ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा। तो इसको पूरा नहीं भरेंगे, अभी बस थोड़ा हाफ ही भरेंगे, तो क्योंकि अभी बल्ब्स लगाएंगे ना, बल्ब्स लगाने के बाद जब उसमें अच्छे से ग्रोथ आ जाएंगी तो उसके ऊपर हम लोग और सॉइल फिल कर देंगे।
दोस्तों ये बल्ब्स को लगाना बहुत ही इजी है, कोई भी कुछ अलग तरीका नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ग्लेडियस के बल्ब्स लगाए थे, उसी तरह से हमने इनको भी लगा दे रहे हैं। बस इतना डिफरेंस है, वो थोड़े बड़े साइज में आते हैं ऑनियन की तरह और ये थोड़े छोटे आते हैं। देखिए दोस्तों मेरे लिए तो बहुत ही इजी हो गया, इसमें स्प्राउट्स भी आ गए हैं। बस इसको जैसे ही मैं इसका मतलब जिस तरह से मैंने बोला है इन बल्ब्स को लगाने के लिए, इन विंटर सीजनल ये प्लांट को ग्रो करने के लिए कोई बड़ा साइज का गमले की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें देखती हूँ मैं ज्यादा लगाने की ट्राई करूंगी, 1 2 3 4 इसमें मैं 8 बल्ब्स लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, एक पॉट में ज्यादा बल्ब्स लगाएंगे तभी सुंदर लगेगा, नहीं तो फिर सिंगल सिंगल अगर एक पॉट में लगाएंगे, 2 बल्ब्स लगाएंगे तो बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। क्योंकि जब इसके फ्लावर्स आएंगे बहुत ही मतलब भर के, जब आपका पॉट्स रहेगा तभी इसमें ब्यूटी ऐड होगा। मैंने बल्ब्स लगा दिया है इस प्लास्टिक पॉट में, मैंने करीब 8 लगाए है, तो सेम डिस्टेंस रखा हुआ है। तो इसके ऊपर और कुछ नहीं करना है, आपने ये पॉटिंग मिक्स डाल देना है। तो अभी मैं पूरा फिलअप नहीं करूंगी क्योंकि जब इसमें ग्रोथ आ जाएंगी तो इसमें और सॉइल इस, दोस्तों जब भी ये ध्यान रखें, जब भी आपके स्प्राउट आ जाती हैं लगाने के पहले ही बल्ब्स में, तो आप उस स्प्राउट को कभी भी सॉइल मिक्सचर से कवर ना करें। बस थोड़ा सा उसको ऊपर जस्ट दिखे रहे, उसकी जो स्प्राउटिंग है ऊपर से इस तरह से नजर आनी चाहिए, तो आपके वो कभी भी स्प्राउट खराब नहीं होंगे। क्योंकि यही जो स्प्राउट है वही स्टेम बनेगा अभी थोड़े दिनों के बाद। और सबसे खासियत बात है इसके जो बल्ब्स को है हम लोग क्या बोलते हैं इसको सेव करके रख सकते हैं फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए। और इसके ऊपर हम अभी हल्का सा स्प्रे कर देंगे, तो बस ज्यादा स्प्रे नहीं करना है जब तक इसकी अच्छी सी ग्रोथ ना आ जाए। तो ऊपर ऊपर मैं हल्का हल्का कर दूंगी, देखिए इस तरह से कर देना है। तो कोकोपीट का भी मिक्स किया है तो बहुत ही केयरफुली हमें करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम तो अच्छे से आपने वाटरिंग कर देनी है, फिर नेक्स्ट जब वाटरिंग करेंगे तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए अपने फिंगर टिप से, चेक इसको ऐसे अंगुली को हाथ ऐसे डाल के देखिए, अगर आप किस सॉइल ड्राई लगे नेक्स्ट वाटरिंग तभी करिए। अभी थोड़ा सा इसके बाद मैं शेडी लोकेशन में रख दूंगी क्योंकि अभी लगाया ही है, उसके बाद मैं इसको फुल सनलाइट में रख दूंगी। और ये वैसे भी फुल सनलाइट में ग्रो होने वाला मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट हमारे विंटर सीजन का है, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और जैसे ही इसकी ग्रोथ आ जाएगी मैं इसको टाइम टू टाइम आप लोग के साथ शेयर करूंगी इसकी अपडेट बस। और वीक में एक बार इसके ऊपर फिर फंगिसाइड का लिक्विड बनाकर इसमें स्प्रे कर दूंगी ताकि कोई फंगस ना लगे। बहुत कम लोग लगाते हैं, तो आप लोग भी लगाइए और एंजॉय करिए फुल विंटर में। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये फ्रीशिया के बल्ब्स का लगाने का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। और जो न्यू दोस्त जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिये दोस्तों, कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।